अब देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या में अगर घात हम इसका क्या करते हैं, माइनस की घात हो, आयताय घात जैसे माइनस 57 का मान ज्ञात करते हैं, तो आयताय घात माइनस 57 इनका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे कि घातांक नियम एक ही घात माइनस एम हो तो इसको हम क्या ले जाएंगे, एक बटे में एक ही घात प्लस एम, एक बटे में एक ही घात क्या हो जाएगी, प्लस एम हो जाएगी। तो आयताय घात माइनस 57 है वो क्या आ जाएगी, एक बटे में आयताय घात 57 हो जाएगी, एक बटे में आयताय घात कितनी हो जाएगी 57। इसको हम तोड़ देंगे, कैसे, आयता स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, आयता स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस एक, तो 57 है, एक घात पीछे कर दो 56 डॉट आयता, 56 को तोड़ दो, एक बटे में आयता स्क्वायर 28 गुणा आयता, आयता स्क्वायर का मान माइनस एक, एक बटे में माइनस एक की पावर 28 गुणा आयता, माइनस एक की घात 28 सम संख्या है तो मान क्या आएगा, प्लस एक, क्या आएगा, तो एक बटे में एक गुणा आयता, एक बटे आयता। अब जो नौवीं क्लास में करके आए हो आप हर का परिमेयकरण, उसी प्रकार इसमें भी हर का क्या करोगे, आप परिमेयकरण करोगे, चाहे आप प्लस आयता से करो चाहे आप माइनस आयता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ तो माइनस से कर सकते थे परंतु प्लस और माइनस दोनों से करोगे तो आयता स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, प्लस आएगा तो स्क्वायर आ जाएगी वो मान माइनस आ जाएगा। तो आप अंश और हर में हर का क्या करोगे, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर एक बटे आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस एक, आयोटा अपॉन माइनस एक, तो माइनस का आयोटा हो जाएगा। ऐसे एक बार दोबारा देखो, आयोटा घात माइनस 57 है, इसका मान ज्ञात करेंगे, एक बटे में आयोटा घात 57 हो जाएगा, एक बटे में आयोटा घात 57, एक ही घात माइनस एम है वो बटे में हो जाएगा। अब आयोटा 57 है, इसको एक घात पीछे की तरफ लेंगे, आयोटा घात 56 डॉट आयोटा, 56 को क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 28 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक की घात 28 डॉट आयोटा, माइनस एक की घात 28 डॉट है आयोटा, माइनस एक की घात 28 प्लस एक होता है गुणा आयोटा, एक बटे में आयोटा। फिर हर का क्या करोगे, परिमेयकरण करोगे, क्या करोगे, परिमेयकरण, आयोटा अपोन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक, तो आयोटा अपोन माइनस एक क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, वो ले लो, कोई भी ले सकते हो आप, आयताय घात माइनस 123, आयताय घात माइनस 123 का मान ज्ञात करना है, तो आयताय घात माइनस 123 है, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस में हो जाएगा, माइनस की 123 है वो क्या हो जाएगा, प्लस में, एक बटे में आयताय घात 123 तोड़ देंगे, आयताय घात 122 डॉट आयोटा, आयताय घात 122 है, 122 को हम स्क्वायर में एक बटे आयता स्क्वायर 61 दुआ 122 डॉट आयोटा। अब आयता स्क्वायर का मान माइनस एक, आयता स्क्वायर का मान माइनस एक, तो एक बटे में माइनस एक की घात 61 डॉट आयोटा, तो माइनस एक गुणा आयोटा माइनस आयोटा। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे,
हर का परिमेय करण, एक बटे में क्या है माइनस आयोटा है, इसका हर का परिमेय करण करने पर परिमेयकरण करने पर तो एक बटे में माइनस आयोटा गुणा में प्लस आयोटा, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर का मान माइनस एक, आयोटा अपॉन माइनस माइनस एक माइनस माइनस प्लस आयोटा एक, तो बराबर क्या आ गया मान आयोटा आ गया। ऐसे करो, समझ में आया ना क्या आ गया आयोटा। अब देखो इसके, ये तो थी घात माइनस वाली, अगर प्लस नहीं विषम संख्या वाली, अगर सम संख्या होगा अगर घात आयटा घात 78 माइनस का ऐसे हो, आयटा घात माइनस 78 का मान ज्ञात हो, तो इसको भी हम प्लस में ले लेंगे, एक बटे में आयटा घात क्या हो जाएगी 78 हो जाएगी, एक बटे में क्या हो जाएगा आयटा घात है 78 अब है, आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक, तो माइनस एक की घात 78 सॉरी आयटा स्क्वायर 39 कितनी होगी 39, आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक, एक बटे में माइनस एक की घात 39 तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस एक की घात 39 विषम संख्या है तो मान माइनस एक, माइनस का एक आ गया। ठीक है, जैसे आयटा घात माइनस 824 मान ज्ञात करो, आयटा घात माइनस 824 इसको हम बटे में ले लेंगे, क्या ले लेंगे एक के बटा में आ जाएगा, एक बटे में आयटा घात 824, एक बटे में आयटा घात 824, एक बटे में आयटा घात 824 को स्क्वायर में तोड़ेंगे, दो का भाग दो, दो चौका आठ, दो एकम दो, दो दो चार, आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक, माइनस एक की घात 412, इसका मान प्लस एक, एक बटे में एक कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, समझ में आए। अब उसके बाद में 6 नंबर, आयटा घात जैसे 1224 या 1260 का मान ज्ञात करना, कोई भी ले लो, तो इसमें आयटा एक आयटा घात माइनस 1260 है वो एक बटे में आयटा घात कितनी हो जाएगी 1260 हो जाएगी, एक बटे में कितनी हो जाएगी आयटा घात है 1260। अब इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे स्क्वायर में, स्क्वायर कितनी हो जाएगी 2 6 12 2 3 6, आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक की घात 623 तो कितना आ जाएगा सम है तो मान प्लस एक, प्लस का एक हो जाएगा। क्लियर है, ये हैं अगर घात माइनस में हो, और अगर ये तो पावर में माइनस है, अगर घात के आगे माइनस हो, ये तो पावर में माइनस है, अगर मान लें घात के आगे माइनस हो तो इनको हम कैसे करते हैं वो देखिए,
अगर माइनस आयटा घात 107 ऐसे हो, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, तो माइनस को तो माइनस रहने दोगे, एक बटे में ये तो माइनस आयटा घात माइनस 107 ऐसे कर लो, सॉरी प्लस एक प्लस हो जाएगा, 107 को 106, क्योंकि सम संख्या में हमारे पास आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, तो माइनस एक आयटा घात 106 डोटे आयोटा, 106 को स्क्वायर में तोड़ देंगे, माइनस एक आयटा स्क्वायर की पावर 53 दुआ 106 डोट आयोटा, आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, तो माइनस एक माइनस एक की घात 53 गुणा आयोटा, माइनस एक की घात 53 विषम संख्या, माइनस एक बटा माइनस का आयोटा, माइनस माइनस प्लस एक बटा आयोटा, फिर हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर अंश और हर में आयोटा से हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, एक बटे आयोटा गुणा आयोटा अपॉन आयोटा, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान एक, सॉरी माइनस एक, तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, ये हो। अगर घात माइनस हो और आगे माइनस लगा हो तो आगे माइनस को सेम टू सेम रखो, माइनस वाले घात को प्लस में ले आओ, आयटा घात कितनी हो जाएगी 107 प्लस 107 को हम तोड़ देंगे 106 डॉट आयटा, 106 आयटा स्क्वायर की पावर 53 डॉट आयटा, स्क्वायर का मान माइनस एक की घात 53 डॉट आयटा, तो एक बटे आयोटा, हर का परिमेयकरण करेंगे, आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा अपॉन आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक, आयोटा अपॉन माइनस एक कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब देखो जैसे माइनस आयटा घात -54 है, -54 तो माइनस एक अपॉन आयटा घात 54, इसको तोड़ लेंगे, आयटा स्क्वायर की पावर 27, आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक, माइनस एक अपॉन माइनस एक की घात 27, तो मान क्या आएगा, माइनस एक की घात 27 माइनस एक, माइनस और माइनस प्लस एक, क्योंकि विषम संख्या है तो मान क्या आ जाएगा, प्लस का एक आ जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस आयटा घात 148 ऐसे मान जाता है, माइनस आयोटा घात 148, तो इसको आप माइनस एक गुणा में आयटा घात 148 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइनस एक गुणा आयटा घात 148। अब आयटा घात 148 को तोड़ देंगे, माइनस एक गुणा आयटा घात स्क्वायर, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 74। अब आयटा स्क्वायर का मान माइनस एक रख देंगे, तो माइनस एक गुणा माइनस एक की पावर 74, माइनस एक की पावर 74 सम संख्या है तो मान प्लस एक, एक गुणा एक बराबर माइनस का एक आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आप, समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आप कॉपी में करोगे, सभी बच्चे 11th के हैं जो मैंने करवाए हैं अच्छी तरह। सबसे फर्स्ट टॉपिक यही है आयोटा का, कॉम्प्लेक्स नंबर में
जैसे माइनस आयटा घात 1451 है, तो इसको भी माइनस एक गुणा में आयटा घात क्या लिखोगे आप, 1451 लिखोगे, माइनस एक गुणा में आयटा घात 1451, माइनस एक गुणा आयटा घात 1451, फिर माइनस एक को बाहर ले लो, आयटा घात एक घात पीछे 1450 डॉट आयोटा, तो माइनस एक गुणा आयटा स्क्वेयर 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 5 = 10, और गुणा में आयोटा, आयटा स्क्वेयर मान माइनस एक होता है, माइनस एक गुणा माइनस एक की पावर 725 गुणा आयोटा, माइनस एक की पावर 725 विषम संख्या है, तो मान माइनस एक, माइनस एक गुणा में एक गुणा आयोटा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, एक गुणा आयोटा प्लस का आयोटा आ जाएगा, ऐसे करोगे, क्लियर है, इतना जो भी करवाए हैं आप अच्छी तरह करोगे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, समीसर संख्या में कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की जो प्लस माइनस, माइनस की घात, प्लस की घात, वो मैंने सभी बता दिया, अगर बटे में हो तो इसमें हम क्या करते हैं, हर का प्रिमेकरण, जो दसवीं के बच्चे हैं, पेपर दे दिया, रिजल्ट आ गया, अच्छे मार्क्स आ गए, अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आपकी बुक्स मार्केट में मिल रही है, और हम करवा रहे हैं, दूसरे सर मनीष सर भी करवा रहे हैं शायद मैथ का 11th में, और मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर करा रहा हूँ, वो ट्रिगोनोमेट्री करवा रहे हैं, जो भी है आप अच्छी तरह करिए, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।